एवरीवन, मैं हूँ श्वेता फ्रॉम स्पाइसी टिप्पणी श्वेता से। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ रगड़ा पेटीज की रेसिपी, जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है और मुंबई की फेमस चाट है। जितना ये खाने में टेस्टी लगती है ना, उतना ही बनाने में इतनी ईजी है। तो इसको बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसके लिए बनाएंगे रगड़ा। तो मैंने यहाँ पर ली है मटर, एक कटोरी मटर ली थी। तो ये व्हाइट वाली मटर है, इसको हम 7-8 घंटे के लिए पानी में भिगो देंगे। तो ये भिगोने के बाद में इस तरीके से फूल जाएगी अच्छे से। जब फूल जाती है तो ये बहुत अच्छा बनता है। तो अब हम इसको कुकर में डाल देंगे और इसमें डालेंगे हम 1 ग्लास के लगभग पानी। बस इससे ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, क्योंकि रगड़ा थोड़ा गाढ़ा होता है इसलिए। तो बस इतना थोड़ा ही पानी रखेंगे इसमें हम। अब हम इसमें ऐड करेंगे कुछ मसाले। तो मैंने यहाँ पे लिया है 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच हम इसमें ऐड करेंगे नमक। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे सौंफ का पाउडर, तो ये भी 1/2 चम्मच में इसमें ऐड करूँ, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है इसमें। और 1/2 चम्मच हम इसमें डालेंगे धनिया पाउडर। कुकर को बंद कर अब हम मीडियम फ्लेम पर इसको 4-5 सीटी आने तक अच्छे से बॉईल कर लेंगे। मटर अच्छे से मैश हो जाए इतना बॉईल कर लेंगे हम। तो अब हम बनाते हैं पेटीज। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे 3-4 आलू को बॉईल कर लिया था, ये थोड़े बड़े साइज़ के थे इसलिए बीच में से कट करके मैंने बॉईल किया है। अब हम इनको ग्रेटर से ग्रेट कर लेंगे, क्योंकि ग्रेटर से ग्रेट कर लेंगे तो ये अच्छे से मिक्स हो जाएंगे, इसमें कोई गुठलियाँ टाइप में नहीं रहेंगे, तो इसकी बाइंडिंग अच्छी हो जाएगी। तो इस तरीके से मैंने सभी आलू को ग्रेट कर लिया। अब हम इसमें ऐड करेंगे हरी मिर्ची, मैंने 1 बारीक कटी हुई हरी मिर्ची और 1 इंच टुकड़ा अदरक का इसमें ऐड कर दिया है, घिस के ग्रेट कर लिया था अदरक को अच्छे से। और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। नमक हम बाद में ऐड करेंगे। अब हम देख लेते हैं एक बार जो हमारा रगड़ा है, तो इसमें मैंने 4 सीटियाँ ली थी और ये अच्छे से बिल्कुल पक गई है मटर। तो अभी हम इसको थोड़ा सा और बॉईल करेंगे। तो मैंने इसको एक भगोनी में ट्रांसफ़र कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे 1 टमाटर। टमाटर डालने से इसका टेस्ट बहुत अमेजिंग सा हो जाता है, बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है इसमें रगड़े में। तो इसको आप ज़रूर ऐड कीजिएगा, चाहे तो आप इसमें थोड़ा सा हरा धनिया भी डाल दें, उससे भी बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है। तो इसको हम अच्छे से, ये दोनों चीज़ें आपस में मिक्स हो जाए तब तक हम इसको बॉईल कर लेंगे। देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है। तो आप बस गैस को ऑफ कर देंगे, एक तरफ रख देंगे और दूसरी तरफ हम बनाएंगे इसके लिए पेटीज। तो पेटीज के लिए जो मैंने आलू ग्रेट करके रखे थे उसमें मैं ऐड करूँगी थोड़ा सा नमक, क्योंकि नमक हमने पहले ऐड नहीं किया था। और इसमें डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया और इनके साथ ही हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर डालने से इसकी थोड़ी सी बाइंडिंग अच्छी हो जाएगी। अगर आलू बिल्कुल भी आपके चिपचिपे नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, और कॉर्नफ्लोर की जगह पर आप इसमें ऐड कर सकते हैं चावल का आटा, या फिर इसमें डाल सकते हैं ब्रेड। ब्रेड भी डालेंगे तो उससे क्या है, इसका जो मॉइस्चर होगा वो सोख लेगा, आलूओं का जो मॉइस्चर होगा। तो अभी मैं इसमें हाथों पे थोड़ा सा ऑयल ग्रीस किया है, जिससे कि जो आलू है हाथों पे चिपकेंगे नहीं और टिक्की इजीली बन जाएगी। तो इस तरीके से थोड़ा सा मैंने आलू लिए हैं और उनकी एक राउंड शेप में बनाकर थोड़ा सा ऊपर से फ्लैट कर दिया है। तो यहाँ पे हमारी पेटीज बनकर तैयार है, ये देखिए। और इसको सेकेंगे। तो फ्राई करने के लिए मैंने कढ़ाई को गर्म करने रख दिया है, गैस का फ्लेम लो रखेंगे और इसको हल्का सा ऊपर से कॉर्नफ्लोर से डस्ट करके इसमें डाल देंगे। लो फ्लेम पर ही हम इसको सेकेंगे, जिससे कि ये क्रिस्पी बने और अंदर तक अच्छे से सिक जाए। तो इस तरीके से सभी टिक्कियों को बनाकर हम सेक लेंगे, ये देखिए। और इसको हम थोड़ा सा, जब तक इसका नीचे से अच्छे से सिकती नहीं है तब तक हम इसको टर्न नहीं करेंगे, और जब थोड़ा सा सिक जाए उसके बाद ही हम इनको पलटेंगे। ये देखिए आपको दिख रहा होगा कितना अच्छा सा कलर आ गया है। सभी को हम ऐसे पलट देंगे और दूसरी साइड से भी अच्छे से सेक लेंगे, बिल्कुल अच्छे से क्रिस्पी होने तक हम दोनों साइड से अच्छे से सेक लेंगे। देखिए बिल्कुल एकदम लाइट गोल्डन सा कलर आ गया है इन पर। बस ये अच्छे से सिक गई है, अब हम इनको निकाल लेंगे सभी टिक्कियों को। और यहाँ पर हमारी पेटीज बनकर तैयार है। तो रगड़ा भी हमारा बन गया है और ये देखिए कितनी बढ़िया सी पेटीज भी बन चुकी है, कितना बढ़िया कलर आया है और बहुत परफेक्ट सिकी है एकदम। तो ये देखिए कितनी इजीली बनकर, कम ऑयल में बनकर तैयार हो गई है ये, और बहुत ही बढ़िया लगती हैं। तो अब इसकी जो असेंबलिंग करेंगे उसके लिए हमने यहाँ पे कुछ चाट और चटनियाँ वगैरह ली हैं। तो यहाँ पे मीठी चटनी ली है मैंने, हरी चटनी है, सेब बारीक वाले, टमाटर, लाल मिर्ची पाउडर, हरी मिर्ची, प्याज, काला नमक और भुना हुआ जीरा। तो मैं हरी चटनी की रेसिपी आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, मीठी चटनी की भी जल्दी शेयर करूँगी। अब इसको असेंबल करते हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा हम प्लेट में डालेंगे रगड़ा, ये देखिए रखने के बाद में काफ़ी थिक हो गया है। तो इसको जब खाएं तो थोड़ा सा और गर्म कर लीजिए। अभी इसमें लगाएंगे हम टिक्की, ये देखिए कितनी बढ़िया बनी है टिक्की, मतलब देख के मुँह में पानी आने लग जाता है, बहुत ही टेस्टी बनी है ये। तो बस ऊपर से थोड़ा सा और रगड़ा डाल के मीठी चटनी डाल देंगे, ऊपर से डालेंगे हम थोड़ी सी हरी चटनी। ये देखिए चटनी भी कितनी परफेक्ट बनती है, चाट वाली बहुत अच्छी बनती है, एकदम ग्रीन ग्रीन। बस इसमें अब ऊपर से डालेंगे हम थोड़ा सा हरी मिर्ची कटी हुई बारीक,
थोड़ा सा प्याज, टमाटर, इसमें डालेंगे थोड़े से स्पाइसेस, तो यहाँ पे काला नमक और लाल मिर्ची पाउडर और भुना हुआ जीरा, ये सारी चीज़ें हम इसमें ऐड कर देंगे। और चाहें तो आप इसमें थोड़ा सा ऊपर से वाइट वाला नमक भी डाल सकते हैं। ये देखिए बढ़िया सी टिक्की बनकर तैयार है और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। ऊपर से हम इसमें थोड़े से बारीक वाले सेब भी डाल देंगे और थोड़ा सा धनिया गार्निशिंग के लिए। और ये देखिए कितना बढ़िया सा लुक आ रहा है इसका, खाने में बहुत टेस्टी लग रही थी, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग। फ्रेंड्स, आज की रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में ज़रूर शेयर कीजिएगा। प्लीज़ फ्रेंड्स, आपके एक लाइक से बहुत सपोर्ट मिलता है मुझे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।